सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने शूटर को पकड़ा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में गोली चलाने की थी साजिश। सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं ने दावा किया है कि उन्होंने एक शूटर को पकड़ा है। कथित शूटर के चेहरे पर नकाब लगाकर उसे मीडिया के सामने लाया गया। किसानों ने जानकारी दी कि यह शूटर बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। पकड़े गए शूटर ने मीडिया के सामने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पकड़े गए शूटर ने दावा किया कि 26 तारीख को किसान ट्रैक्टर रैली में वह गोली चलाकर माहौल खराब करने वाला था। किसानों ने जिस शूटर को पकड़ा है उसने बताया कि 23 से 26 जनवरी के बीच किसान नेताओं को गोली मारी जानी थी और महिलाओं का काम लोगों को भड़काना था। शूटर ने कबूल किया कि उसने जाट आंदोलन में भी माहौल बिगाड़ने का काम किया है। शूटर ने कहा कि 26 तारीख को 4 लोग स्टेज पर होते, उनको गोली मारने को कहा गया था। इसके लिए 4 लोगों की तस्वीर शूटर को दी गई थी। शूटर ने बताया कि जिसने ये सब जिसने सिखाया वराई थाने का SHO प्रदीप है, जो कि हमेशा अपने चेहरा ढके रहता था। बाद में 4 किसान नेताओं को गोली मारने की कथित साजिश का खुलासा करने वाले शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। किसको इससे दंगे करवाने से किसको इसको फायदा होगा, ये सबको मुख्य जांच का हुए। और इसने बताया कि पुलिस वालों ने भेजा, लेकिन राई वालों का नाम बता रहा क्या है, हम बुलवा के उनको, ये हमारा ऑब्जेक्शन है भारत सरकार से कि इस तरह की जो काम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, हमको पूर्ण रूप से स्पष्ट बता जाए, हमारे आंदोलन को बदनाम करने की साजिशन ये ना करे कोई भी चीज। और जो 4 लोगों को ये कहा कि शूट करा जाएगा, फोटो भी ये बता रहा है कि 4 लोग होंगे जो स्टेज पर होंगे, उनको जो फायरिंग पे वो कोई गलत नाम भी इसने बताया। अगर आप 4 लोगों के नाम बता सके तो बता दीजिए, नहीं तो ये बता दीजिए कि वो पंजाब के नेता हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, कहाँ से, ये बता दें, कोई बात नहीं। चलो 4 का भी आया, 4 में कोई भी हो सकता है, जो स्टेज का मतलब 4 एक बार तो होते जो होंगे, कोई भी हो सकते हैं। नहीं सर, हरियाणा से हैं, पंजाब के नेता हैं, अभी हथियार नहीं, पंजाब तो नहीं, पंजाब ये देखिए, इन्होंने फोटो पहचानी थी, हम उनको उन नामों को सीक्रेट रखना चाहते हैं, लेकिन है वो पंजाब के 32 में से, ये क्लियर बात है कि वो पंजाब वाले जो हैं उनमें से 4 को इनसीज ने बताया है। मोबाइल में उनकी फोटो दिखाई इसने और बताया ये नेता हैं जिनको शूट किया जाएगा। तो इसने ये भी बताया था कि उसको, क्योंकि अभी घबराया हुआ है, ये सारी बात नहीं बता पा रहा, तो इसने ये भी बताया था कि जब वो स्टेज से बोलेंगे तो उनको शूट जो है दूर से शूट करेंगे। ये सारी बातें अभी नहीं बता पा रहा, घबराया हुआ है, लेकिन इसने ये सारी बातें स्नाइपर जो है वो लाके उनसे ये करवाएंगे, सारी शूट करवाएंगे। अभी जो बात है वो डरा हुआ है, इसीलिए बार बार हमारी तरफ देख रहा है। इसको हमने समझाया था, बेटा तेरे पे कोई बात नहीं होगी, अभी ये बोल रहा है कि आप पुलिस को दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम पुलिस को भी ये बोलेंगे कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको पुलिस के पास दे रहे हैं, ताकि जो इसकी सुरक्षा हो यहाँ, क्योंकि भीड़ में अगर लोगों को पता चल गया तो इसके लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है। इसकी कौन है, ये कहाँ है, कहाँ से आया? वो तो कह रहे हैं लोग उन्हीं बंदों में से उन्होंने ऑर्डर दिया है। हाँ, तो इसी के बंदे इसको मार सकते हैं ना, तो यही बात है ना कि इस भीड़ में कोई भी हो सकता है, इसके साथ ही इसको शूट कर दे, तो इसलिए हम पुलिस की कस्टडी में इसको दे रहे हैं। किस स्टेट का रहने वाला है और इसका प्रोफाइल क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, नौकरी इससे पहले क्या करता, तो कुछ बताया होगा। हाँ, इसने पहले बताया था, शुरू में जब इसको पूछा गया तो इसने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। इसने अपना एड्रेस भी लिखवाया था, वो कविता जी उनके पास लिखा हुआ है, तो अभी उनके पास इसने पूरा अपना एड्रेस भी दिया है, लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं,
इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मेरे मैं परिवार से छुपके से काम करता हूं। सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसी कई बातें इसने, इसका प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या इसने, इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूं, उससे आगे नहीं पढ़ा। तो ये सारी बातें ये बता रहा था। तो ये